हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ, हाँ, चैप्टर नंबर जो है ना 7, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर हम 21 से 24 तक जो है ना हम समझाने जा रहे हैं। इसमें 21 नंबर तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये पहले भी जो है ना आपका बनाया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो हम जो है ना 22 नंबर जो है ना समझा देते हैं, और अगर आपको 21 नंबर जो है ना अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं समझा दूंगा इसको। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेंगे सॉल्यूशन करते समय, इसको हम पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू ना tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे आई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टैन थीटा बाई हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 2 थीटा हो जाएगा, हाँ। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिखेंगे 2 थीटा, हाँ, इंटू डी एक्स के लिए हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये इसको आप मत करना, ठीक है। अब इसका जो है ना इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसमें जो है ना आपका फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, 2 बाहर निकाल देना, इसमें 2 इसका है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 तो बाहर हो गया ऐसे। अब जो है ना अब इसका करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता है 2 थीटा, इसका होता है tan थीटा माइनस ये इसका 1 हो जाएगा और इसका फिर tan थीटा हो जाएगा। फिर वापस करते हैं थीटा tan थीटा, tan थीटा का होता है log log cos थीटा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2 थीटा tan थीटा, इसको प्लस कर देंगे log 1/sec थीटा कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब इसका आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके आगे हम करते हैं 2, इसमें वैल्यू लगा देना थीटा की x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस log 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर प्लस c। इसको और एक्सप्लेन करना है, 2x tan इनवर्स x प्लस log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा जो है ना आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको और भी करना पड़ेगा क्योंकि NCERT में जो आंसर है वो आपका अलग है, 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log, इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस माइनस हो जाएगा अब 2 इंटू, क्योंकि ये आ जाएगा, इसको चलो प्लस में रखते हैं, माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर है 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसका 23 नंबर छोटा सा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, और 24 भी छोटा सा है, एक नंबर का आता है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, और जो समझ में नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट, बंद कर दे ही।